जयपुर में आज ऑल इंडिया सज्जाद नसीम सूफी काउंसिल की बैठक हुई है, जिसके अंदर एक बड़ा फैसला किया गया कि काशी मथुरा का विवाद सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए मध्यस्थ की भूमिका और तमाम लोगों से जिनसे बात करनी है वो की जाएगी। अजमेर दरगाह दीवान आबेदीन साहब है, जिन्होंने सर आप बताएं कि ये जो आपने पहल की है किस तरीके से ये पहल करेंगे और क्या ये संभव है? भाई दोनों धर्म के धर्मगुरु जितने भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स जितने भी हैं, हिस्टोरियन जितने भी हैं, उनसे हम पहले सलाह मशवरा करेंगे कि आप इस मसले के ऊपर क्या चीज सामने रखना चाहते हैं और किन कौन कौन से ऐसे मसले हैं जिसके ऊपर आपसी समझौते के तहत सुलहनामा हो सकता है। कोर्ट के बाहर जब ये सुलहनामा होगा तो दोनों धर्मों के अंदर कटुता कम होगी। क्यों? कि कोर्ट के अंदर एक पक्ष के फेवर में हो रहा है, दूसरे पक्ष के फेवर में नहीं हो रहा है, तो दूसरा पक्ष तो कटुता रखेगा। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए कब तक लड़ते रहेंगे? चलिए आप अयोध्या वाला मसला कितने सौ सालों से लड़ते रहे, नतीजा क्या निकला? वो जो समझौता सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी टीम, उसको सामने रखते हुए फैसला देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को भी, और सुप्रीम कोर्ट ने दिया। हमें खुद को बुलाया गया था उसमें, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने और यानी जो रिटायर्ड जज थे उन्होंने। अच्छा, इसके अंदर पूरे मसले के अंदर कई बार ये बात आई कि ये जो तीन है ये सुलझा लिया जाए, आगे ऐसे विवाद खड़े नहीं हो। इसीलिए हम कर रहे हैं पहल, इसीलिए हम पहल कर रहे हैं कि आगे ये नहीं हो। इसके अंदर जजेस को रखा जाएगा, वो सारी जो कंप्रोमाइज डीड होगी उसके ऊपर उन लोगों के दस्तखत होंगे, उन दस्तखतों के बाद में वो चीज पार्लियामेंट में रखी जाएगी और पार्लियामेंट उसको अपने उसके अंदर लेकर के आएगा, वो लेकर के आएगा और डिबेट के अंदर ला करके एक एक्ट बनाएगा, वो पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होगा, पूरी पब्लिक के ऊपर एप्लीकेबल होगा।